हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ हरिवंश प्रताप सिंह करेंटली आई एम वर्किंग विथ ए बी ई एस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद टूडे वी विल डिस्कस ऑपरेशंस ऑफ सेट्स एंड इट इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एंड ऑर्डर पेयर सेट्स राइट जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज सेट थ्योरी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स

what is that suppose that each and every element of set a and b both are combined and show in the set that like symbolic representation is that a union b is equal to what x is the member of elements and x belongs to a or yeah belong to x belong to b Let's say for example we take an example a set a set a kya kya elements are 10 एलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन फोर एलिमेंट्स हैं राइट एंड बी में क्या है थर्टीन फोटीन एंड फिफ्टीन अगर हम इसमें यूनियन ऑपरेशन लगाएंगे सेट ए एंड बी में देन क्या होगा आउटकम हमारा क्या आएगा टेन ट्वेल्व इलेवन थर्टीन फोटीन एंड फिफ्टीन दैट्स मीन्स वॉट हमने दोनों सेट्स को कम्बाइंड कर दिया दैट इज़ वाट इसको अगर हम वैन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगा इट इज यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय द वैन डायग्राम एंड वन सेट इज व्हाट ए ए में क्या है एलिमेंट्स अगर ये सेट ए है तो इसमें एलिमेंट्स क्या हैं टेन एलेवन ट्वेल्व राइट एंड इन केस ऑफ बी क्या है फोर्टीन एंड फिफ्टीन इन दोनों के बीच में क्या है थर्टीन राइट right. अगर हम यूनियन दिखाना चाहें अगर हम दिखाना चाहते हैं ए यूनियन बी ए यूनियन बी तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा अगर हम बात करते हैं राइट ए यूनियन बी दिखाना चाहेंगे तो हमारा ये प्रेजेंटेशन होगा पूरा ऑल आर्ट द ए यूनियन बी राइट सेम हम नेक्स्ट ऑपरेशन की अगर हम बात करें व्हाट इज दैट ए इंटरसेक्शन बी सॉरी इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या है कॉमन क्या है ए एंड बी में जो भी एलिमेंट्स कॉमन है वो रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन को राइट सपोज दैट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय बाई द ए इंटरसेक्शन बी राइट तो ये नोटेशन ये, ये किसका है इंटरसेक्शन का राइट right? इसको आप सिम्बोलिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं राइट right? तो दैट इज वॉट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड यहाँ पे और ऑपरेशन था यूनियन में यहां पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है एंड या तो एक्स जो है ए में होगा या फिर बी में होगा राइट right? ये है यूनियन के केस में बट इंटरसेक्शन uh, के केस में क्या है कि दोनों में होना चाहिए वो एलिमेंट मीन कॉमन एलिमेंट राइट तो अगर हम एग्जाम्पल्स अगेन वही हम लें ऊपर वाला ही तो अगर हमें इंटरसेक्शन दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा राइट right? तो हमने मान लो या ए और एक सेट लिया बी ए एंड बी तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्शन दैट इज़ व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी इसमें हमारा आउटकम क्या है कॉमन क्या है सिर्फ थर्टीन तो इस पोर्शन में सिर्फ थर्टीन लिखा जाएगा राइट दैट इज़ कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी तो अभी आप समझ गए होंगे शायद ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी अगर आप कभी भी जानना चाहें तो क्या होगा अगर इसको हम और थोड़ा सा एलोबरेट कर दें वहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था राइट तो अगर हम यहाँ पे करें तो ए में जो एलिमेंट्स हैं हमारे और जो बी में एलिमेंट्स हैं कॉमन क्या है थर्टीन है तो ये जो पोर्सन आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट जितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो इस पोर्सन में हम शो करेंगे तो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यूनियर इंटरसेक्शन गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज़ वॉट सेट डिफरेंसेस, दैट मींस व्हाट? द सेट डिफरेंसेस डिफरेंसेज सेट ए एंड बी अगर दो सेट हैं ए एंड बी दैट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी और हम दो सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको किस कैसे ए माइनस बी या ए अपॉन बी ए ऑब्लिक बी नॉट ए अपॉन बी ए ऑब्लिक बी दैट इज मीन्स वॉट अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं इसका मतलब क्या है जो हमारा एलिमेंट्स है एक्स वो बिलोंग टू ए करेगा और बी में बिलोंग नहीं करेगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल वही सेम ले रहे हैं हम कि ए में क्या एलिमेंट्स हैं टेन एलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन एंड बी में थर्टीन फोर्टीन एंड सिक्सटीन तो कॉमन क्या है दोनों में थर्टीन राइट right. लेकिन अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कॉमन एलिमेंट आप देखें कॉमन एलिमेंट बाहर हो रहा है फॉर एग्जाम्पल थर्टीन यहाँ पे नहीं है राइट right. अगर हम बी माइनस ए करें देन तो रिवर्स होगा कभी भी ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होंगे राइट right. राइट दैट्स मीन्स वॉट अगर हम बी माइनस ए करें तो क्या होगा सिर्फ कॉमन एलिमेंट बाहर होगा तो हम इसका यह भी एक मतलब निकाल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ए माइनस बी का वैन डायग्राम बनाना हो तो सपोज दैट ये है हमारा अगर हम ए माइनस बी बना रहे हैं राइट right? तो हमारा सिर्फ ये पोर्शन जो आएगा अगर हम यहाँ पे कलर चूज कर लें आपको शो करने के लिए दैट इज कॉल्ड ए माइनस बी राइट अगर हम इसको दिखाना चाहें कि वॉट इज दिस बी माइनस ए दैट वॉट पोर्शन वी विल कवर राइट दिस दिस पोर्शन दैट इज कॉल्ड वॉट बी माइनस ए राइट दैट्स मीन्स वॉट कि जो भी कॉमन एलिमेंट है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं सिर्फ हम क्या लेंगे सिर्फ बी पोर्शन का वो पॉइंट जो कि कॉमन नहीं ए में कॉमन नहीं है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमेशा हम अगर ए माइनस बी कर रहे हैं आप इसको ऐसे समझ सकते हैं इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट ए माइनस बी दैट्स मीन्स वाट ए में से आप क्या माइनस कर दें A इंटरसेक्शन बी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं राइट right? अब क्या हुआ जितना भी कॉमन एलिमेंट था वो हम ऐसे बाहर कर दें अपने आप क्या आ जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा सेम चीज आप बी बी माइनस ए के लिए भी कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड सेट डिफरेंसेस राइट डिटेड बाई ए माइनस बी और ए ऑब्लिक बी सेम इज द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन वॉट इज दैट कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन क्या है कॉम्प्लीमेंट आपको पता ही है कि जस्ट लाइक like इनवर्स होता है जस्ट उल्टा होता है कॉम्प्लीमेंट मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डिनोटेड बाई ए डैश तो कई डिफरेंट डिफरेंट बुक में कॉम्प्लीमेंट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बोला जाता है कोई इसको ए बार बोलता है कोई ए डैश बोलता है कोई ए कॉम्प्लीमेंट लिखता है तीनों सेम ही चीज़ें चारों कोई इसमें आपको डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत नहीं ऑल आर द सिंबल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन राइट मीनिंग क्या है द कॉम्प्लीमेंट सेट इज डिनोटेड बाई द ए डैश या ए बार या ए की अपॉन ए की पावर सी कर सकते हैं आप दैट डिनोटेड बाय द ए कॉम्प्लीमेंट एंड बट एलिमेंट विच आर नॉट इन अ सेट ए जो भी एलिमेंट सेट ए में नहीं है ऑल आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए राइट दैट्स मीन्स वॉट सिम्बलोकली कैसे हम रिस्क्रिप्रजेंट करते हैं ए डैश इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए मैं आपको बता ही रहा था कि अगर सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में नहीं हैं वो सारे किस में होंगे एक ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे राइट जस्ट रिवर्स उल्टा बोल सकते हैं आप सपोज इसको रिवर्स बोल सकते हैं इफ सपोज दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑड इंटीजर अगर हमारा जो एक्स है उसमें क्या है सारे ऑड इंटीजर्स हैं राइट तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे वाई जो ए डैस है हमारा उसमें क्या ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा तो वाई डिनोट्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स जो भी ऑड इंटीजर्स हैं वो कोई भी सेट ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे दैट्स मीन्स वॉट कि अगर हमारे फॉर uh, एग्ज़ाम्पल अगर हमारा जो सेट है ए इसमें uh, आ रहे हैं हमारे थ्री फाइव सेवन एट्सट्रा तो सेट ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा अगर हम एग्जाम्पल को समझने और डिटेल में समझना चाहें तो इसमें क्या आएगा हमारा टू आ सकता है फोर आ सकता है सिक्स आ सकता है एट आ सकता है बट वो सारे एलिमेंट्स ऑड इंटीजर्स वो कोई भी ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे राइट देट मीन्स वॉट तो हमारी ये डेफिनेशन फुलफिल हो रही है एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए अगर ए कॉम्प्लीमेंट में कोई एक्स बिलोंग कर रहा है तो वो एक्स जो है ए में बिलोंग नहीं करेगा दैट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट राइट दैट इज वी कवर द सेट ऑफ डिफरेंसेज एंड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन नेक्स्ट पे आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंसेस अब इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में देखा जाए तो सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ एंड सेट ए एंड बी डिनोटेड बाई द ए एक्जॉर का जो सिंबल आप बनाते थे डी में तो राइट एक्जॉर का सिंबल दैट इज कॉल्ड यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस इस सिंबल को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस सिंबल राइट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन बी कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच इज बिलोंग टू ए और बी बट नॉट बोथ मतलब कोई भी एलिमेंट है वो या तो ए में बिलोंग करेगा या बी में दोनों में बिलोंग नहीं करेगा मतलब इंटरसेक्शन एलिमेंट नहीं होंगे सिमेट्रिक डिफरेंस में फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो ए यूनियन बी ऑब्लिक ए इंटरसेक्शन बी और दूसरा रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं सिमेट्रिक uh, डिफरेंस का ए माइनस बी और बी माइनस ए में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा मतलब यूनियन आप निकालेंगे तो वो क्या आएगा दैट इज वॉट सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब ए एक्स और बी आप बोल सकते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन बी उ टू रिप्रेजेंट इट बाई दिस सिंबल राइट तो अगर हम कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो कैसे करेंगे सपोज दैट राइट अगर हमने इसका एग्जाम्पल लेना है सीमेट्रिक डिफरेंस का तो मान लो हम ए में ए में क्या है एलिमेंट वन टू थ्री राइट एंड बी में हमने लिया एक और एग्जाम्पल बी सेट का इसमें कि हमारा क्या है फोर एंड फाइव है राइट right? तो अगर हम देखें तो सिमेट्रिक uh, डिफरेंस अगर ए एंड बी का निकालें तो क्या आएगा आउटकम हमारा तो ए माइनस बी क्या है हमारा वन टू थ्री ऑब्वियसली बात है क्योंकि कोई हमारा कॉमन एलिमेंट है ही नहीं है और यूनियन बी माइनस ए मतलब फोर एंड फाइव दैट्स मीन्स वॉट ए यूनियन बी आ जाएगा और इंटरसेक्शन नहीं रहेगा मतलब इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे अगर इंटरसेक्शन होता भी मान लो यहां पे एक एलिमेंट होता वन इसको हम डिस्कार्ड कर देते वन नहीं आता राइट right? तो यूनियन में one, एक सिमेट्रिक uh, डिफरेंस में वन नहीं आएगा मतलब दोनों डिस्टिंक्ट जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए में एक और बी में कॉमन नहीं होंगे राइट right? तो दैट इज वॉट सिमेट्रिक डिफरेंस एंड फ्यू लॉज ऑफ एल्जब्रा

आपने नल सेट कवर किया है प्रीवियस लेक्चर में राइट एंड इंटरसेक्शन यूनियन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑल आवर ऑपरेशन मैंने कवर किया अभी थोड़ी देर पहले राइट right? इन सब को यूज़ करके कुछ सेट ऑफ लॉज बनाए गए हैं सेट थ्योरी में इसको हम कुछ ही नेम से जानते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एसोसिएटिव लॉ तो क्या है एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ मतलब कि इसमें ब्रैकेट्स अगर हम चेंज कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा राइट right? अगर हमने एक ऑपरेशन लगाया ए यूनियन बी यूनियन सी बट दूसरे में लगा ब्रैकेट चेंज कर दिया हमने बी यूनियन सी आफ्टर दैट अप्लाई किया यूनियन ए पे तो मतलब कहने का ये दोनों इक्वल होंगे कभी भी आंसर डिफरेंट नहीं आएगा फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं अगर हमारा सेट uh, है हमारा वन टू थ्री राइट एंड बी है हमारा फोर एंड फाइव और सी है हमारा सेवन एंड एट एंड वन बी है मान लीजिए राइट तो पहली बात हम अगर इसको हम अप्लाई करें इस वाले पे ए यूनियन बी ए यूनियन बी हमारा क्या होगा uh, अगर हम ए यूनियन बी निकालें तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव आएगा राइट right? ऐसे ही अगर हम यूनियन सी कर दें तो सेवन एट भी आ जाएगा वन कॉमन है ऑलरेडी इसमें सेवन और एट आ जाएगा राइट right? अगर हम ब्रैकेट चेंज करके पहले बी यूनियन सी निकाले तो क्या आएगा फोर फाइव सेवन एट एंड वन ऑल्सो एंड अगर यूनियन ए के साथ करेंगे तो दोनों आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे इक्वल आएगा दैट्स मीन्स ये सारे लॉज हैं वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ राइट अगेन अगर हम इंटरसेक्शन और, और सेम चीज़ यहाँ अगर इंटरसेक्शन में अप्लाई करेंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा बोथ आर इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू अगर ब्रैकेट्स हमने चेंज कर दिया पहले कैलकुलेट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी आफ्टर दैट इंटरसेक्शन विद द ए बोथ आर इक्वल राइट अगेन ए यूनियन बी और बी यूनियन सी मतलब अगर हम सारे एलिमेंट को कम्बाइन ही कर रहे हैं तो हमेशा ये ट्रू होगा मतलब अगर ए और बी यहाँ पे हैं अगर हम इसको समझने की कोशिश करें अगर हमारे जो दो सेट्स हैं दैट इज वाट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको एंड दूसरा सेट है हमारा क्या बी दैट इज व्हाट फोर एंड फाइव एंड अगर हम इसमें वन भी ले लें चलो राइट right? तो अब इसमें क्या हो रहा है तो वन फाइव फोर है अगर हम ए यूनियन बी और बी यूनियन सी कैलकुलेट करें दोनों इक्वल आएंगे ऑलवेज क्योंकि सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो यूनियन uh, हमारा क्या बनेगा अगर हम बात करें इसकी तो यूनियन हमारा क्या आएगा यहाँ पे अगर इन दोनों की बात करें तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव राइट अच्छा आप चाहे बी यूनियन ए निकाल लें चाहे यूनियन बी निकाल लें आउटपुट यही आएगा राइट right? सेम चीज़ यहां है अगर इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आएगा इंटरसेक्शन में क्या आएगा सिर्फ वन चाहे आप बे बी इंटरसेक्शन ए निकालें निकाले, और चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालें ऑलवेज वन आएगा बाई दिस एग्जाम्पल राइट right? सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है यहाँ पे कि इस ऑपरेशन को इस वाले में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैसे अगर ए यूनियन बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बी यूनियन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी को इसमें क्या लगा रहे हैं हम यूनियन ऑपरेशन लगा रहे हैं तो पहले हम क्या इसके अकॉर्डिंग दोनों इक्वल रहेंगे अगर इक्वलिटी में क्या है ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे बोथ और एग्जाम्पल और इक्वल सपोज दैट पहले हम इसको सॉल्व करें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा अगर हमें एक एक सेट और ले लें ले, एग्जाम्पल के लिए सी सी में हमने क्या रख दिया वन से सॉरी सेवन एंड एट राइट तो वन सेवन एट सी में है तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा अगर बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो ओनली वन आएगा राइट right? और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो ए में वन टू थ्री है तो वन कॉमन है तो एग्जाम्प आंसर क्या आएगा वन टू थ्री अब सेम अगर इधर अप्लाई करें ए यूनियन सी निकालें ए यूनियन सी क्या है वन टू थ्री एंड सेवन एट तो क्या आ जाएगा वन वन टू थ्री सेवन एंड एट अब हम बात करें ए यूनियन बी की तो वन टू थ्री एंड सॉरी ए यूनियन बी की तो वन टू थ्री एंड वन टू थ्री फोर फाइव आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव अगर इसको हम इंटरसेक्शन निकालें तो कॉमन क्या आएगा अब आप देखें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में जो कॉमन है तो वन टू थ्री इतना ही कॉमन है फोर फाइव नहीं है इधर भी सेवन एट नहीं है तो आउटकम देखिए दोनों में यही आ रहा है ना वन टू थ्री इधर भी आ रहा था वन टू थ्री इधर भी आएगा राइट right? तो इसका मतलब कि ये सारे ट्रू हैं इसको हम ऐसे एज इट इज रिमेंबर कर लेंगे आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राइट right? ऐसे डिमॉगन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट अगर है तो इसको हम ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सिंबल चेंज हुआ यहाँ पे यूनियन का है यहां पे इंटरसेक्शन है राइट तो अगर हम देखें प्रीवियस एग्जांपल से थ्रू ए हमारे में क्या था वन टू थ्री राइट सेट ए में क्या है वन टू एंड थ्री एंड बी में फोर एंड फाइव एंड वन राइट तो ए यूनियन बी क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव एंड ए यूनियन बी क्या आएगा वन टू थ्री फोर एंड फाइव इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये सारे सारे ऑप्शन नहीं रहेंगे इसमें अब सेम चीज अगर इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट निकालें ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है ये सारे ऑप्शन नहीं है वन टू थ्री नहीं रहेगा और फोर फाइव वन नहीं रहेगा बी कॉम्प्लीमेंट में इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं राइट right? दोनों इक्वल रहेंगे इधर भी फाइव आएगा इधर भी फाइव आएगा राइट कॉम्प्लीमेंट में ये सारे एलिमेंट नहीं आएंगे सेम चीज़ ये सारे जो लॉज हैं वो ट्रू हैं एंटी लॉ क्या कहता है अगर किसी भी सेट में फाइव नल सेट को यूनियन निकाल लें तो सेम एलिमेंट फाइंड आउट होगा अदरवाइज दूसरा लॉ क्या कहता है सेम एंटी लॉ से हमारा क्या है अगर हम किसी भी यूनिवर्सल सेट को यूनियन करें किससे किसी भी सेट से तो ऑलवेज क्या पाएंगे यूनिवर्सल सेट क्यों क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं ऑल एलिमेंट्स राइट अगेन अगर हम करें इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें ऑपरेशन के थ्रू तो कोई भी सेट ए है और उसमें हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाएं उसके यूनिवर्सल में तो ऑलवेज वही सेट मिलेगा क्योंकि कॉमन सिर्फ वही सेट आएगा अगेन नल सेट से अगर हम इंटरसेक्शन करें तो ऑलवेज नल मिलेगा बिकॉज ऑफ कोई एलिमेंट कॉमन होगा ही नहीं राइट तो अगेन नेक्स्ट लॉ इज़ वॉट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट लॉ अगेन हम किसी भी एलिमेंट को उसके कॉम्प्लीमेंट से अगर यूनियन करें तो ऑलवेज यूनिवर्सल सेट मिलेगा और अगर हम किसी भी सेट के सेट ए से अगर उसके कॉम्प्लीमेंट से हम इंटरसेक्शन करें कोई कॉमन कोई कॉमन एलिमेंट रहेगा ही नहीं दैट्स वाई फाइव आएगा नल सेट आएगा एंड सो ऑन इंटरसेक्शन एंड इन्वॉल्वेशन से मिलेगा अगर किसी भी एलिमेंट का हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो अगेन हमें वही उसका नॉर्मल सेट मिल जाएगा राइट right? ए मिल जाएगा ओके ऑल लॉ कवर इन दिस स्लाइड एंड गो फॉर द नेक्स्ट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वॉट इज दैट बेसिकली इंक्लूजन एंड इंक्लूजन रिप्रेजेंट बाई द कॉर्नलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज वॉट कॉर्नलिटी ऑफ सेट ए एंड कॉर्नलिटी ऑफ सेट बी माइनस कॉर्नल्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसका मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में हैं वो किसके इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए नंबर ऑफ एलिमेंट बी को नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी के माइनस कर दें तो वो हमारा उसका उस सेट का कॉर्नल्टी आ जाएगी ए यूनियन बी की दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कर दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी निकाल रहे हैं एडिंग एडिंग कर कर रहे हैं मतलब बोथ का दैट इज वट का इंक्लूजन यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं राइट right? तो एलिमेंट्स आर टू काउंटेड बाई ट्वाइस मीन्स वॉट वी कैन अप्लाई द रिजल्ट ऑफ टेन वायर द सिमिलर फार्मूला ऑन थ्री सेट्स एग्जाम्पल देखते हैं क्या है सपोज ए बी सी आर द थ्री फाइनाइट सेट्स एंड ए यूनियन बी यूनियन सी आर द दबियसली ए फाइनाइट सेट क्योंकि हम काउंटेबल हैं तो अगर हम इन इन तीनों में ये अप्लाई करें तो क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कॉर्नल्टी ऑफ ए कॉर्नलिटी ऑफ बी एंड क्वारिलिटी ऑफ टी एडिंग ऑल द कॉर्नैलिटीज माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी इनकी कॉर्नलिटी को माइनस करें एंड इनके इंटरसेक्शन क्वारल्टी को ऐड करेंगे दैट इज फाउंड द क्वारल्टी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी राइट एक एग्जांपल से देखते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या सपोज दैट एक यूनिवर्सल सेट है हमारा जिसमें कि टोटल कॉलेज फ्रेशमैन कितने हैं? फिफ्टी कुछ डेटा पे हम फोकस करते हैं एंड थर्टी आर द स्टडिंग एंड फिफ्टी आर द स्टडिंग ऑफ द पास्कल है ना और जो थर्टी है वो क्या बेसिक्स पढ़ रहे हैं एंड टेन और स्टडिंग बोथ जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा देखिए इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या टोटल एलिमेंट्स कितने हैं टोटल कॉलेज में फ्रेशमेंस कितने हैं फिफ्टी तो आप इसको टोटल करें फिफ्टीन प्लस टेन प्लस ट्वेंटी प्लस फाइव इज इक्वल टू फिफ्टी जी मतलब यूनिवर्सिटी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं फिफ्टी नेक्स्ट अगर इंटरसेक्शन है जो कॉमन है बोथ है तो टेन है और ए में जो सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो कितने हैं ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी राइट एंड इनके साथ ट्वेंटी फाइव स्टडिंग कर रहे हैं क्या पासकल्स टेन प्लस ट्वेंटी जो कि पासकल कर रहे हैं कॉमन कितने हैं टेन क्लियर है तो अगर हम इस डेटा की बात करें ए यूनियन बी अगर हम इसका uh, कॉर्नैलिटी निकालें तो क्या होगा ए यूनियन बी मॉड से भी प्रजेंट करते हैं कॉर्नैलिटी को हम तो ए यूनियन बी क्या आएगा ए यूनियन बी तो ए यूनियन बी कितना हुआ ट्वेंटी प्लस टेन प्लस फिफ्टीन कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे 45. अब इसको हमको देख चेक करना ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कॉर्नलिटी ऑफ ए कितना है 30। कितने एलिमेंट्स हैं 30। बी में कितने एलिमेंट्स हैं 25। फाइव ऑब्वियसली टेन प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी एंड ए इंटरसेक्शन बी में कितने आ रहे हैं माइनस करें तो 10 माइनस टेन इज इक्वल टू वॉट फोर्टी फाइव दैट्स मीन बोथ आर इक्वल राइट अगेन पार्टीशन ऑफ सेट्स किसी भी सेट को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन में ब्रेक करेंगे दिस कॉल्ड पार्टीशन ऑफ सेट बट दोनों में सिमिलर नहीं होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल लेट इस नॉन इम्पटी सेट एंड ए इज अ पार्टीशन ऑफ सेट सब डिविजन ऑफ एस इन टू द नॉन नॉन ओवरलैपिंग ए नॉन इम्पटी सेट्स प्रेसिशन ऑफ सेट इज कलेक्शन ऑफ ए रिप्रजेंटेड बाई ए आई ऑफ द नॉन इम्पिटी सेट सबसे एस सच दैट इसमें कुछ पॉइंट हैं ईच ऑफ सॉरी ईच इज एस बिलोंग्स टू द वन ऑफ द सेट ए आई एंड द सेट ए आई आर द म्यूचुअली डिसज्वाइंट मतलब दोनों डिफरेंट रहेंगे डिस ज्वाइंट आपको पहले बता चुका हूं मैं तो एजे एंड ए के एंड ए जे यूनियन ए के ऑलवेज फाइव डिस ज्वाइंट रहेंगे तो ऑलवेज उनका इंटरसेक्शन जो आएगा फाइव ही आएगा राइट right? एग्जाम्पल्स अगर देख लें इसको Uh, अगर हमारा कोई एग्जाम्पल है वन टू थ्री देखें अगर ये हमारा एक सेट है जो कि वन टू नाइन का है एस अब इसके जो पार्टीशन सेट है वन टू थ्री वन थ्री फाइव टू सिक्स एंड फोर एट बट आप देखें ये सबसेट तो हैं बट आपस में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है इनमें कोई भी कॉमन नहीं ऑल आर डिस्टिंक्ट सेम ये भी है वन थ्री फाइव राइट एंड टू फोर सिक्स एट एंड फाइव सिक्स सेवन ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द पार्टीशन ऑफ सेट्स अगर हम इज नॉट ए पार्सन ऑफ सेट देखें सिंस एस डज नॉट डी नॉट बिलोंग टू एनी सबसेट एस में अगर कॉमन आ रहा है तो वो आपस में नहीं है बिकॉज ऑफ की इंटरसेक्शन पॉइंट हैं इज नॉट पार्टीशन ऑफ सेट सिंस वन थ्री फाइव एंड फाइव सेवन नॉट डिसजॉइंट नहीं है इस वजह से ये पार्टीशन ऑफ सेट नहीं है है ना इज ए पार्टीशन ऑफ सेट इज यस थर्ड वाला पार्टीशन ऑफ सेट है इसमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है लेकिन इसमें क्या है देखिए ये कॉमन पॉइंट्स हैं इसमें भी क्या कॉमन पॉइंट्स हैं सेवन राइट right. इस वजह से ये नहीं है एंड ये पार्टीशन ऑफ ऑफसेट एज नॉट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है सेवन इस वजह से ये भी नहीं है सिर्फ क्या है ये थर्ड वाला है क्या है पार्टीशन ऑफ सेट सारे एलिमेंट्स भी इसमें आ रहे हैं और किसी में कॉमन भी नहीं है राइट देन नेक्स्ट टॉपिक इज वॉट कार्टिजन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर पेयर तो अगर हम बात करें कार्टिजन प्रोडक्ट क्या है तो बेसिकली हम ए क्रॉस बी दो एक सेट है ए एक सेट है बी हम दोनों में कार्टिजन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए क्रॉस बी करेंगे दैट मीन्स वॉट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए एंड सेकेंड ऑर्डर पेयर में ए होगा ए सेट ए का एंड बी होगा सेट बी का तो ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी दैट मीन्स वॉट अगर हम बात करें एक एग्ज़ाम्पल सेट एग्जाम्पल ए में क्या है सारे अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के ए बी सी एंड टू जेड एंड बी में क्या है ऑल ऑलराउर नंबर जीरो टू नाइन तो अगर हम बात करें तो ए क्रॉस ए करेंगे अगर हम ए क्रॉस ए का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा ए कॉमा ए मिल सकता है है ना ए कॉमा बी मिल सकता है दैट मीन्स वॉट ऑल आर द स्ट्रिंग ऑफ द टू लेटर्स एंड बी क्रॉस बी करें दैट्स मीन्स वॉट स्ट्रिंग मिलेगी किसकी टू डिजिट की मिलेगी क्योंकि हम बी क्रॉस की बी कर रहे हैं दोनों ए क्या है हमारा अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के और बी क्या है डिजिट्स हैं बट अगर ए क्रॉस बी करें तो क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा होगा वो क्या होगा स्ट्रिंग होगा दैट इज़ द इंग्लिश अल्फाबेट एंड सेकेंड एल्फाबेट हमारा करैक्टर क्या होगा दैट इज डिजिट अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा ए कॉमा वन राइट बी कॉमा टू ऐसा कुछ मिलेगा राइट दैट इज कॉल्ड कार्टिजन प्रोडक्ट एंड कार्टिजन प्रोडक्ट बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको जानने की जरूरत है अगर हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी करें दैट मीन्स ए एलिमेंट कहाँ होगा बिलोंग टू ए बी बिलोंग टू बी एंड सी बिलोंग टू सी राइट दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कॉर्डीन प्र थ्री सेट्स अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात अगर हमें कोई आई डी नंबर जनरेशन करना है किसी सिक्स डिजिट का तो ए क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस बी करेंगे तो इसका आउटकम जो आएगा वो किसी भी आई डी को जनरेट कर देगा सिक्स डिजिट की राइट right. अब कुछ फैक्ट्स हैं फैक्ट नंबर वन टू एंड थ्री ये क्या हैं देख लें अगर हमारे कॉर्नलिटी ऑफ ए एन है कॉर्नैलिटी ऑफ बी एम है देन ए क्रॉस बी की कॉर्नैलिटी क्या होगी एन इन टू एम मतलब अगर किसी ए में एलिमेंट हैं टू एंड बी में एलिमेंट हैं थ्री तो कॉर्नलिटी ऑफ क्या होगा टू इंटू थ्री दैट इज़ सिक्स क्वारिल ए क्रॉस बी सिक्स हो जाएगा सेम अगर क्वानिटी ऑफ ए एंड बी एम एन एन है एंड सी की कॉर्नलिटी एल है तो तीनों की कॉर्नलिटी अगर हम ऑर्डर पेयर के कॉर्जन प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो इसकी uh, जो कॉर्नलिटी आएगी एन इंटू एम इंटू एल मतलब अगर सी में एक फोर uh, प्रोडक्ट होते सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर हो जाती कॉर्नलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सो ऑन कॉर्नलिटी ऑफ a into b a1 a2 and so on ak that is uh, or the cardinality multiplied by till ak that is the main thing of the cartesian product and today we will cover all the topics of that operations and cardinality of product and uh, set theory laws thank you we will meet in next lecture thank you